सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मन् सद्धारतिर्भक्तिरननुक्रमीषति। अरे संतों के साथ रहोगे, भगवान की कथा सुना करके उनका स्वभाव, उनका प्रभाव, उनकी महिमा, उनकी लीला, उनका गुण, उनका चरित्र इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे कि सुन सुन करके तुम प्रभु के दीवाने हो जाओगे महाराज। तो श्रवण का महत्व भी इस श्लोक में है कि सुनने से क्या होता है। सत्संग में तो कथा ही होती है, सज्जन के साथ, साधुओं के साथ रहोगे तो संसार की बातें होंगी नहीं, केवल भगवान के गुण चरित्र लीला की बात होगी। उससे होता क्या है, सूत्र दिया, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। पहले तो सुन सुन करके श्रद्धा होगी। रुक्मणी का मंगल हुआ, रुक्मणी मंगल आप देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण से रुक्मणी जी का विवाह हुआ। रुक्मणी जी को न भगवान ने देखा था, न भगवान जी को रुक्मणी ने देखा था, लेकिन रुक्मणी जी ने सुन करके साधु संतों से भगवान के लीला गुण और चरित्र सुन करके भगवान के श्री चरणों में इतनी अनुरक्त हो गई कि उन्होंने कहा कि मेरा पति होंगे तो सिर्फ यही होंगे। तो बार बार चित्त जिसका चिंतन करेगा, बार बार जिसका ध्यान करेगा, बार बार जिसके बारे में सुनोगे, वो विषय, वो व्यक्ति, ये वस्तु चित्त में जाकर चिपक जाएगी। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व डीजीपी बिहार। आप जानते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है आप मुझे फॉलो करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके और सनातन की सेवा हो सके। नमस्कार।